दीपक प्रमेय ये न्यू चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका दीपक बाइनोमियल थ्योरम। ठीक, तो इसमें दीपक प्रमेय से ये चीज ध्यान देना, दीपक प्रमेय से ये क्या होगा, x प्लस ए टू दी पावर एन, x पहला पद है, ये ए दूसरा पद, इतने का पावर यंग देखिए क्या होता है, कितना आराम से इसको लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक, ये पहले यंग सी जीरो, इसमें दीपक गुणांक देते हैं यंग सी जीरो, यंग सी वन, यंग सी टू, यंग सी थ्री, यंग सी आर, इस तरह से यंग प्लस ए टू दी पावर यंग इक्वल टू यंग सी जीरो। अब पहले पद को पावर यंग देते हैं तो दूसरे पद को पावर जीरो। अब फिर ये यंग सी वन x to the power n minus 1 e का पावर 1 n c 2 x to the power n minus 2 ये a स्क्वायर प्लस n c 3 x का पावर n minus 3 into a क्यूब प्लस 100। यहां देखिए n c 0 n c 1 n c 2 n c 3 b पद गुणा, पहले पद की पावर n, दूसरे में एक कम हो गई, तीसरे में यह नंबर तीन दो कम हो गई, तीसरे में ये, यहाँ इनकी पावर जीरो, फिर इसकी पावर एक, इनकी पावर दो, इनकी पावर तीन, ऐसे करके चलती चली गई। तो जब यन सी आर ये ले लिए तो एक्स का पावर एन माइनस आर तो ए का पावर आर, अब ये लास्ट में क्या लिखेंगे एन सी आर, तब एक्स की पावर जीरो हो जाएगी, ए का पावर है। दीपक प्रमेय मतलब दो पद, एक पद यक्ष आपका आया, एक पद ए ले लीजिए, यक्ष पहला पद ए दूसरा पद। तो दीपक प्रमेय से ये क्या काम करेंगे आपका कि ये इस तरह से ये करते चले जाएंगे। यहाँ आप एक बात का ध्यान दें, यहाँ जो एन सी जीरो होगा, एन सी वन होगा, एन सी टू होगा, या एन सी आर आ गया, या एन सी एल, इनको हम कहते हैं दीपद गुणांक, दीपद गुणांक कहते हैं। अब एक सवाल ये इन पर थोड़ा सा ध्यान देने के, एक क्वेश्चन ले लेते हैं दीपद का, दीपद का एक क्वेश्चन एक्सरसाइज है आपकी ये 8.1 एक्सरसाइज, ये 8.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका ये 1 minus 2x to the power 5 1 minus x, ये पहला पद यहाँ 1 है और दूसरा पद 5 है, प्रसार में जितनी पावर रहती है उससे एक पद अधिक आता है, जितने में हम लोग को कोई परेशानी नहीं होगी, यहाँ पहला पद वन दूसरा पद ये, तो 5c0 तब 1 का पावर n और ये जो दूसरा माइनस 2n साइन आ रहा है इसका पावर 0, 1 का पावर 5 कर देगा, अब प्लस 5c1 तो 1 का पावर अब एक कम हो जाएगा 4 तो माइनस 2x का पावर 1, ये 5c2 ये 1 का पावर 3 आ जाएगा, मतलब दोनों के पावर का योग जो है वो 5 होना चाहिए, यहाँ जैसे दिया 5c2 1 का पावर ये माइनस 2x का पावर 2 प्लस 5c3 ये 1 का पावर 2 और माइनस 2x का पावर 3 और ये 5c4 1 का पावर ये 1 और माइनस 2x का पावर 4 और ये फिर 5c5 ये 1 का पावर 0 माइनस 2x का पावर 5 ये है। तो यहाँ दो पदों में जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लेते हो, a स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसमें रहते हैं 3 टर्म, स्क्वायर में 3 टर्म, क्यूब करते हो तो 4 पद आ जाते हैं, घन करते हैं तो, यहाँ जब पावर यंग
दस बार पावर पांच की है, पदों की संख्या हमारी कितनी चली जाती है छह। ठीक, देखिए 1 2 3 4 5 6 छह पर। अब यहां से देखते हैं यंग सी जीरो का मास 1 होता है। यहां पर एक चीज बताते हैं 5C0 ये 1 किसी का यंग सी जीरो, 5C1 ये 5 आ जाएगा, 5C2 5 दो बार 5 × 4/2 × 2 1 ये 10 आ जाता है, 5C3 5 × 4/3 × 3/2 × 1 तो ये 3 से ये कटा और ये वैसे भी 5C2 का ये या 5C3 बात एक ही आएगी, ये भी 10 आ जाएगा, 5C4 का ये 5 में 4 या 5 में 1 ये 5 में 4 को क्योंकि संख्या में क्रम का ध्यान नहीं दिया जाता, ये 5C1 के इक्वल होगा 5A। अब 5C5 मतलब 5C0 5 में 5 ये A, ये इनके द्विपद गुणांक ये होंगे 6 क्योंकि मिल होंगे। देखिए 5C0 1 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा, या किसी की भी पावर 0 ये 1 ही होगी। 5C1 5 हो गया और ये जो है 1 का पावर 4 ये 1 ही हुआ और ये माइनस हुआ। अब 5C2 का मान हम निकालने हैं यहाँ 10 और ये माइनस 1 का ये 1 ही आ जाएगा और माइनस 2 का ये 4 यंग से स्क्वायर है। यहाँ 5C3 का मान ये 10 और ये 1 का वर्ग 1 ही आएगा, इतने का क्यूब ये -1 यक्स क्यूब आएगा, 5C4 वैल्यू ये इनकी 5 ही आएगी, ये 1 आ जाएगा गुणे ये और -2 का पावर 4 2 3 4 3 8 9 16 ये 16 यक्स का पावर 4। अब प्लस 5C5 ये 1 ही होगा, 1 का पावर 0 1 और ये 5 है 2 का पावर ये -32 यक्स का पावर 5। तो ये 1 - 10 यक्स और प्लस 40 यक्स स्क्वायर -80 यक्स क्यूब और 16 × 5 = 80 ये भी 80 आ जाएगा, प्लस 80 10/80 यक्स क्यूब, फिर 80 आ गया ये यक्स घटे 4 -32 यक्स का पावर। यही ये 6 पद 1 2 3 4 5 6 आएंगे। द्विपद में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसे थोड़ा सा ध्यान दे करके समझो और करो। ठीक।